माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पनागर विधायक सुशील इंदु तिवारी एवं सांसद जबलपुर आशीष दुबे के नेतृत्व में पनागर विधानसभा में रैली निकाली गई। एक विशाल तिरंगा यात्रा में भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया है। यात्रा पनागर देवरी बजरंग बाड़ा से शुरू होकर तिरंगा यात्रा का सुहागी समापन हुआ। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत मंगलवार को निकाली जाएगी विशाल तिरंगा यात्रा। विशाल तिरंगा यात्रा जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में निकाली गई। जबलपुर ब्यूरो चीफ रमाकांत दुबे की रिपोर्ट। आज पनागर विधानसभा की तिरंगा यात्रा यहां पर संपन्न हुई और जैसा कि आप सबको भी पिछले कुछ वर्षों से मालूम है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक वर्ष लगभग पिछले कुछ वर्षों से 15 अगस्त के पहले तिरंगा यात्राओं का आयोजन करती है। ऐसे ही जबलपुर संसदीय क्षेत्र में इसका आयोजन हुआ। प्रत्येक 8वीं विधानसभा में, ये हमारी 8वीं विधानसभा थी और निश्चित रूप से तिरंगा यात्रा को लेकर निकलने का भाव ये होता है कि लोगों में देशभक्ति का जज्बा और एक ऊर्जा का संचार बना रहे और जब हम तिरंगा हाथ में पकड़कर निकलते हैं तो हमारे अंदर भी देशभक्ति के जज्बे का हम उससे ओतप्रोत होते हैं। और निश्चित रूप से अभी मैंने 8 विधानसभाओं में देखा कि हम जहां से भी निकलते हैं, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे महिला हों, चाहे युवा हों, चाहे बच्चे हों, तिरंगा देखते ही सबकी आंखों में जो भाव आता है, जो अंदर से उनको ऊर्जा मिलती है, उसका निश्चित रूप से तिरंगा से जोड़ती है। और तिरंगा हमारी आन बान और शान है। हम ये तिरंगा के माध्यम से अपने राष्ट्र से जोड़ते हैं, राष्ट्र निर्माण से जोड़ते हैं, उसी उद्देश्य को लेकर तिरंगा यात्रा निकाली गई। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के उपलक्ष्य में आज पनागर विधानसभा की तिरंगा यात्रा जो कि युवा मोर्चा द्वारा निकाली गई, इसमें मुख्य रूप से जबलपुर के लोकप्रिय सांसद आदरणीय आशीष दुबे जी का उपस्थिति में, पनागर विधानसभा के विधायक श्री इंदु तिवारी जी की उपस्थिति में एवं हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष भैया राजमणि बघेड़ जी की उपस्थिति में आज संपन्न हुई, जिसमें सभी ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जो बड़ी जोश और उत्साह में आज तिरंगा यात्रा निकली और जो कि सुहागी में संपन्न हुई। मैं सभी देशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से शुभकामनाएं देना चाहता हूँ स्वतंत्रता दिवस की और मैं आपके न्यूज चैनल परिवार को भी शुभकामनाएं देता हूँ। मेरा नाम हर्ष तिवारी, पनागर।